नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। द ग्रेट अंबानी वेडिंग आपने देखी नहीं देखी, तस्वीरें मिस हो गई हैं, हमने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। बड़े ही धूमधाम के साथ ये पूरा का पूरा ग्रैंड फंक्शन यहां पर संपन्न किया गया। इसी के साथ अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। तस्वीरें यकीन मानिए बेहद सुंदर सामने आ रही हैं। क्या हॉलीवुड, क्या बॉलीवुड, क्या खेल जगत, हर सितारा यहां पर पहुंचा। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई है ये शादी। ये भव्य शादी की तमाम रस्में यहां पर इस सेंटर में संपन्न करवाई गई। इससे पहले अनंत अंबानी की बारात ट्राइडेंट होटल से जियो वर्ल्ड सेंटर में पहुंची। बारात में देश दुनिया से जानी मानी हस्तियां झूमती नाचती गाती हुई यहां पर देख सकते हैं आप। कुछ तस्वीरें तो आपके सामने हैं, रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के डांस का निराला अंदाज यहां पर देखने को मिला। किस तरह से दोनों ने जुगलबंदी दिखाई, स्टेज पर दोनों किस तरह से झूमकर नाचे वो भी आप देख सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने दूल्हे मियां अनंत की बारात में जमकर ठुमके भी लगाए। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के हर सितारे ने यहां पर शिरकत की। शाहरुख खान बाकायदा अपने परिवार संग इस शाही और इस ग्रैंड शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे। लिबास की बात की जाए तो राधिका मर्चेंट के पिंक थीम्ड जो लहंगा है वो बेहद सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी वेडिंग का थीम पिंक थीम रखा गया था। हर दूसरा शख्स आपको इसमें पिंक थीम में पिंक लिबास में लिपटा हुआ नजर आएगा। और इस शाही और ग्रैंड शादी को ग्रैंड बनाने के तमाम इंतजाम किए गए थे। और शाहरुख और सलमान को आप देख सकते हैं इस शाही शादी में, सुपरस्टार रजनीकांत के चलते ही साथ ही साथ दोनों खान एक साथ बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन इस शाही शादी में आपको नजर आ रहे हैं। दूल्हे अनंत अंबानी के साथ साथ खूब डांस किया। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी शाही शादी में जमकर डांस करते हुए देखे गए इस खास। और शाही शादी में देश विदेश के तमाम दिग्गज सितारे पहुंचे, जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कुल मिलाकर अनंत राधिका की ग्रैंड वेडिंग बहुत ज्यादा ग्रैंड रही। इस मेगा इवेंट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर आप स्क्रॉल करेंगे तो यही तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। शुभ आशीर्वाद सेरेमनी का आयोजन भी होगा, जिसके लेकर तैयारियां भी यहां पर तेज कर दी गई हैं। तो ये देखिए सलमान और शाहरुख खान का ये अंदाज, ये स्टाइल इन दोनों का बहुत कम देखने को मिलता है, और जब देखने को मिलता है तो दुनिया देखती रह जाती है। तो यहां पर दूल्हे मियां को उतरते हुए आप देख सकते हैं, ये ग्रैंड और भव्य सेरेमनी हुई जियो वर्ल्ड सेंटर में, जिसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। एक के बाद एक लगातार बॉलीवुड के तमाम सितारों की एंट्री यहां पर होती जा रही थी। हर कोई ट्रेडिशनल लुक में यहां पर दिखाई दिया। तो यहां पर लड़कियां जो थी वो ग्रूम साइड की तरफ से दिखाई दे रही थी। अब देखिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट सात फेरों के साथ शाही बंधन के पवित्र बंधन में बंध गए। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुए इस शाही शादी पर पूरे देश की नजरें रहीं, हो भी क्यों ना। एक तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, और शादी की रात सितारों का जमघट, वो भी इस तरह से। देशभर की नामचीन हस्तियां इस शादी में शरीक हुई। जितनी भव्य शादी उतना ही जबरदस्त तरीके से इंतजाम। इन सब के बीच में फिल्म इंडस्ट्री और खेल जगत की जानी मानी सेलिब्रिटीज की मौजूदगी में ये शाही शादी और भी यादगार हो गई। सितारों की महफिल सजी, दिग्गजों का मेला लगा। पकौड़ी मैनू कहते मैनू जो रोशनी से जगमगाते माहौल में
अनंत और राधिका हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। माँ नीता अंबानी और पिता मुकेश अंबानी के चेहरे पर खुशी देखी। घर परिवार और रिश्तेदारों का जश्न देखी। सभी को इसी पल का तो इंतजार था। शुक्रवार की रात अग्नि के सात फेरों के साथ अनंत और राधिका का विवाह संपन्न हुआ। अंबानी परिवार की इस खुशी में देश और दुनिया के नामचीन लोग शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि घर के सदस्य की तरह खुशी मनाई। अमेरिका से आई प्रियंका चोपड़ा बाराती बनी और बारातियों की तरह जमकर डांस किया। तो हार्दिक और अनन्या पांडे की खुशी भी देखते बनी, झूम के नाचे, खूब मस्ती की। अनंत की शादी में यार दोस्तों की मस्ती देखने लायक थी। बॉलीवुड के सितारों ने भी माहौल का खूब आनंद उठाया। रणवीर सिंह को देख लीजिए, अपने अंदाज में झूम कर डांस किया। और तो और, जब आनंद की बारात बढ़ी तो थिरकने वालों में सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल रहे। अनिल कपूर ने खुद अपने गाने पर डांस स्टेप किए। सिंगर्स ने भी अपने गानों से मेहमानों का दिल जीत लिया। भूपिंदर बब्बल ने जब फिल्म एनिमल का गाना शुरू किया तो मेहमानों के कदम थिरकने लगे। महफिल हनी सिंह ने भी लूटी। सपने बूंद बूंद मैनों को बूंद बूंद। इसी तरह दूसरे सिंगर ने भी अपनी आवाज और अंदाज से शादी की रात को यादगार बना दिया। All of you. सुध बुध खोके कोई मैं कहानी पूरी कहानी है क्या किसे है पता। अंबानी परिवार की शादी हो तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों की मौजूदगी तो लाजमी है। अनंत और राधिका को बधाई देने अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ पहुंचे। थोड़ी देर बाद ऐश्वर्या राय बच्चन भी पहुंची। शाहरुख खान, संजय दत्त, सलमान खान और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरे इस शादी में मौजूद रहे। दीपिका भी आई,
और ऋतिक रोशन भी आए। विकी कौशल कैटरीना के साथ पहुंचे। अनंत की शादी में तमाम बड़े हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी मौजूद रहे। इसी तरह क्रिकेटर्स ने भी अनंत और राधिका को बधाई दी। हार्दिक के अलावा बुमराह पहुंचे। टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर भी पहुंचे। अंबानी के आमंत्रण पर राजनेता भी शादी में शामिल हुए। बेटे के साथ लालू यादव ने शिरकत की। ममता बनर्जी आई और अखिलेश यादव भी इस शानदार शादी में शामिल हुए। ऐसे बड़े नाम इतने दिग्गजों के साथ अनंत और राधिका की शादी की शाम और रात यादगार हो गई। देश ही नहीं दुनिया भर से कई नामचीन हस्तियां अंबानी की शादी में शामिल हुई। हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन अपनी बहन के साथ विवाह में शामिल हुई। वहीं काम डाउन फेम और ग्लोबल सेंसेशन रीमा भी अनंत और राधिका की शादी में शिरकत करने के लिए आए। इस शाही शादी में ब्रिटेन के दो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और टोनी ब्लेयर भी शरीक हुए। तो सैमसंग कंपनी के मालिक ली जी योंग भी अंबानी परिवार के जश्न में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व WWE रेसलर जॉन सीना भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। शादी का कार्यक्रम अभी दो दिन और चलना है। माना जा रहा है कि रिसेप्शन में कई और बड़े नेता और अभिनेता शामिल होंगे। देखिए अनंत और राधिका की शादी का कार्यक्रम अभी दो दिन और चलना है। यकीन मानिए दो दिन और सेलिब्रेशन किया जाएगा। शादी के बाद आशीर्वाद और फिर रिसेप्शन दिया जाएगा। इनमें से सितारे और भी होंगे जो यहां पर पहुंचेंगे। दिग्गज नेताओं की मौजूदगी यहां पर दर्ज की जाएगी। लेकिन शुक्रवार को एंटीलिया से बारात निकलने से लेकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंचने तक जो तस्वीरें सामने आई वो हमेशा यादगार रहेंगी। शादी के समारोह में बॉलीवुड के सितारों ने जमकर डांस किया तो सिंगर्स ने भी अपनी आवाज से सबका दिल जीत लिया। सबसे बड़ी शादी है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि जबरदस्त रौनक है, गजब के इंतजाम हैं और देश विदेश से बड़ी बड़ी हस्तियां इस शादी में मेहमान हैं। स्वागत किया गया। शादी के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए कपड़ों में आए मेहमान का अंदाज भी देखने लायक रहा।
सजी कार में बैठकर दूल्हा शादी के लिए निकलता है। अनंत अंबानी की बारात भी इसी तरह निकली। दुनिया की सबसे महंगी रोल्स रॉयस फैंटम 8 को सफेद रंग के खूबसूरत फूलों से सजाया गया। बारात निकली तो माँ नीता अंबानी भी ढोल की थाप पर थिरकी। एंटीलिया के कर्मचारियों ने जमकर डांस किया। अनंत अंबानी की बारात एंटीलिया से निकली, मुंबई के ही जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची, जहां पहले से ही मेहमानों का जमावड़ा था। वहीं साफा बांधने की रस्म हुई, फिर मिलने की रस्म हुई और रात करीब 8 बजे वरमाला की रस्म हुई। वैसे तो इस पूरी शादी में बेहिसाब रकम खर्च करके बेमिसाल इंतजाम किए गए हैं, सजावट से लेकर कोरियोग्राफी तक, फूलों से लेकर कपड़ों तक। जो भी तस्वीरें सामने आई हैं, वो भव्य हैं। 3 दिन चलने वाले शादी के इस कार्यक्रम में हर रोज कुछ नया, कुछ अलग नजर आने वाला है। शादी की थीम बनारस की भव्यता पर आधारित है, जिसमें परंपरा, धार्मिकता, संस्कृति, कला, शिल्प और व्यंजन सभी कुछ है। डेकोरेशन में भारतीयता का खास महत्व रखा गया है। शुक्रवार की रात शुभ मुहूर्त में शादी हो गई, मगर अगले 2 दिन शादी के फंक्शन चलते रहेंगे, जिसमें देश विदेश के वीवीआईपी मेहमान शामिल रहेंगे। खबर है कि 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। अनंत राधिका की शादी के 3 रिसेप्शन है। 14 जुलाई यानी रविवार को होने वाले रिसेप्शन में भी जाने माने लोग शिरकत करेंगे। एक रिसेप्शन 15 जुलाई को भी होगा, जिसमें आम लोग शामिल होंगे। आलम यह है कि मुंबई के बड़े 5-स्टार होटल में कोई कमरा खाली नहीं, सभी में अंबानी परिवार के मेहमान हैं। मेहमानों के लाने ले जाने के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुंबई के जिस इलाके में जहां शादी के कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां सड़कों को इवेंट से जुड़ी गाड़ियों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। अनंत और राधिका के शादी समारोह पर मुंबई ही नहीं देश की नजर है। ऐसी शानो शौकत वाली शादी पहले देखी भी तो नहीं गई। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जन्मांतर के लिए ब्याह के पवित्र बंधन में बन चुके हैं। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी घरानों में से एक अंबानी परिवार में हुई ये शादी केवल मुंबई या हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए यादगार बन गई है। ऐसा केवल इसीलिए नहीं कि दुनिया के हर हिस्से से मेहमान इस शाही शादी में शरीक हुए, बल्कि इस मायने में भी कि इस शानदार शादी में हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली है। शादी में जहां एक और पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से सारी रस्में अदा की गई, तो वहीं दूसरी ओर दूल्हे दुल्हन से लेकर हर एक मेहमान पर भारतीयता का रंग छाया रहा। देखिए, जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अनंत अंबानी की शादी में अंबानी परिवार के हर सदस्य का भव्य लुक याद रखा जाएगा, क्योंकि इनमें न सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट खास है, बल्कि इनमें शुद्ध भारतीय सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की झलक भी मिलती है। चाहे दुल्हन राधिका मर्चेंट हो या दूल्हा अनंत अंबानी, दूल्हे की मां नीता अंबानी हो या पिता मुकेश अंबानी, भाई आकाश हो या भाभी श्लोका या फिर बहन ईशा अंबानी, सबके चेहरे पर शादी की खुशी की शानदार चमक देखने को मिल रही है। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, मौका भी खास है और दस्तूर भी है, इसीलिए तो किसी की सजधज में कोई कमी नहीं है। वैसे तो इस शाही शादी की तैयारी कई महीने से चल रही थी और कई प्री वेडिंग समारोह भी हो चुके थे, लेकिन हर किसी को राधिका मर्चेंट के दुल्हन वाले लुक का इंतजार था। शुक्रवार की रात मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में जब राधिका दुल्हन के लिबास में सामने आई, तो सब देखते ही रह गए। राधिका ठेठ गुजराती दुल्हन के रूप में सामने आई। उन्होंने लाल और सफेद रंग का ट्रेडिशनल गुजराती लहंगा पहन रखा था,
इस लहंगे को खास गुजराती स्टाइल में तैयार किया गया। डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने राधिका के ब्राइडल लुक के लिए ये खास लहंगा तैयार किया। इस लहंगे को आइवरी जरदोजी से बनाया गया है। इसमें 5 मीटर का हेड वेल है। इसमें हाथ से कशीदाकारी की गई है। इसमें खूबसूरत फ्लोरल बूटी, तांबा टिक्की और लाल रेशम का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, राधिका के ब्राइडल लुक में इस खास लहंगे के साथ हैवी ज्वेलरी का भी इस्तेमाल किया गया। राधिका को गलाबंद के साथ हैवी इयररिंग्स पहनाए गए। उन्हें मांग टीका और पन्ना जड़ा हुआ रानी हार भी पहनाया गया। राधिका के हाथों में भी हैवी ज्वेलरी देखने को मिली। इन सब के साथ लाल लिपस्टिक का संयोग राधिका के लुक को और भी भव्य बना दिया और वो राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वहीं शादी के बाद राधिका की विदाई का लिबास भी शानदार दिखा। लाल सुर्ख लहंगे में राधिका अपने ससुराल चली। इस ड्रेस की तस्वीरें स्टाइलिश रिया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा की हैं और बताया है कि इस लहंगे की डिजाइन गुजरात के कच्छ की 19वीं सदी की समृद्ध कला से प्रेरित है। इनमें बनारसी ब्रोकेड का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही उसके ऊपरी हिस्से पर खालिस सोने की कारचोबी वाला काम किया गया है। इसमें जालीदार डिजाइन वाला वेल भी है और बनारसी काम वाला दुपट्टा भी इसके साथ है। अब बात करें दूल्हे की, तो अनंत अंबानी ने शादी के लिए अपना लुक सिंपल रखने पर ही जोर दिया। इस तरह वो सबसे अलग नजर आ रहे थे। दूल्हा बने अनंत अंबानी लाल पगड़ी में रॉयल लुक में दिखे। उन्होंने शादी के लिए गोल्डन ऑरेंज कलर की शेरवानी पहन रखी थी। अनंत अंबानी ने अपने आउटफिट के साथ पेरिस के स्नीकर्स पहन रखे थे। अनंत के स्नीकर्स पर सोने की एक्सेसरीज लगाई गई। स्नीकर्स की कीमत 1,67,000 रुपए है। इस शादी में अंबानी परिवार के हर सदस्य के पहनावे ने सबका ध्यान आकर्षित किया। पूरा अंबानी परिवार ऑल पेस्टल कॉम्बिनेशन लुक में नजर आया। दूल्हे की मां नीता अंबानी पीच पिंक और ऑरेंज कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। हीरे के गहने उनके लुक को और भी शानदार बना रहे थे। वहीं अनंत के पिता मुकेश अंबानी गुलाबी शेरवानी में नजर आए। अनंत अंबानी की भाभी और अंबानी परिवार की बड़ी बहू श्लोका पिंक लहंगे पर एमराल्ड स्टोन की ज्वेलरी में सजी दिखी, तो श्लोका के पति और अनंत के बड़े भाई आकाश पीच कलर की शेरवानी में दिखे। अनंत और आकाश की बहन ईशा अंबानी पिंक और गोल्डन कलर के लहंगे में बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। अनंत अंबानी की शादी में ड्रेस कोड इंडियन ट्रेडिशनल रखा गया था, लिहाजा मेहमान चाहे देसी हो या विदेशी, सभी भारतीय परिधानों में ही सजे नजर आए। अमेरिकी सेलिब्रिटी किम कार्दशियान से लेकर रेसलर एक्टर जॉन सीना हो या फिर पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर और उनकी पत्नी चेरी ब्लेयर, सबके पहनावे हिंदुस्तानी रंग में रंगे नजर आए। और इसके साथ ही इस खास समारोह में तमाम मेहमानों के मन भी भारतीयता की चाशनी में पके दिखे। शादी के इस बेमिसाल जश्न में शरीक सभी मेहमान अपने साथ शानदार यादें ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।